हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो टेक विद नदीम यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऑडियो स्प्लिटर जो कि बहरेंजर का है। पहले मैं इसको आपकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ क्या क्या इसके साथ में आता है। तो सबसे पहले इसमें पावर कॉर्ड है जो कि बहुत ही हैवी क्वालिटी की है। एक मैनुअल गाइड है और एक बहरेंजर का स्टिकर है और एक साथ में कैटलॉग भी है। दोस्तों यह है बहरेंजर का एक ऑडियो स्प्लिटर जो कि एक मिक्सर भी है। दोस्तों मिक्सर इसलिए है कि ये 8 इनपुट लेकर के 2 आउटपुट दे देगा, जैसे कि एक साउंड मिक्सर होता है इसलिए ये एक मिक्सर भी है। और स्प्लिटर इसलिए है कि ये 2 इनपुट लेकर के 8 आउटपुट दे देगा, जिससे कि आप 8 एम्पलीफायर को अपने कनेक्ट कर सकते हैं। जो साउंड वाले 2 से 4 या 8 एम्पलीफायर यूज़ करते हैं या 10-12 एम्पलीफायर भी कुछ यूज करते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर आप भी 2 से ज़्यादा एम्पलीफायर यूज़ करेंगे अपने लाइव कंसर्ट में तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों बहरेंजर ने जो इसको बनाया है अल्ट्रा लिंक प्रो के नाम से बनाया है। मॉडल नंबर है इसका MX-882। कुछ कंपनियां इसको ऑडियो स्प्लिटर के नाम से बनाती हैं और कुछ कंपनियां एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से बनाती हैं और कुछ कंपनियां हेडफोन्स एम्पलीफायर के नाम से बनाती हैं। तो इसमें हर चैनल का अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल है, साथ में बैलेंस वॉल्यूम भी है, ये एक अच्छी बात है। बाकी के ऑडियो स्प्लिटर में आपको ये नहीं मिलेगा, इसको बहरेंजर ही लगा कर देता है। और LED इंडिकेटर भी है और साथ में एक स्विच भी लगाया है जो क्या स्प्लिटर टू मिक्सर को चेंज करने में काम आता है। और ये इसका मेन वॉल्यूम है, सारा ऑडियो स्प्लिटर यानी कि 8 के 8 चैनल इससे कंट्रोल हो जाएंगे। ये इनपुट सेक्शन में लगा हुआ है मेन में, और ये इसका मिक्सर का है और बाकी सारे चैनल अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल दिया है सबका। और बैक साइड देख लीजिए इसकी, ये मेन सेक्शन है इसका, ये इनपुट है और ये आउटपुट है और बाकी आगे हर चैनल का अलग अलग आउटपुट दिया है और 2 चैनल का जैक पिन के द्वारा भी दिया है। और इसके इनपुट में आप मेल XLR के द्वारा दे सकते हैं और आउटपुट में फीमेल XLR के द्वारा ले सकते हैं। मिक्सर में यूज करेंगे तो ये 8 इनपुट लेकर के 2 आउटपुट देगा, यानी ये एक मिक्सर भी है और एक ऑडियो स्प्लिटर भी। पहले मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से चलेगा। ये इसकी पावर कॉर्ड, और दूसरा जो आप मिक्सर से आउट लेंगे वो इसके इनपुट सेक्शन में लगाना है, लेफ्ट और राइट। बाकी के एम्पलीफायर आप यहां से कनेक्ट करेंगे, चैनल 1 आउट 2 3 4 5 6 और 8 आपको यहां से मिलेंगे। 2 चैनल का आउटपुट आपको यहां से मिलेगा और 6 चैनल का यहां से यहां तक, यानी 8 एम्पलीफायर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्विच लगाए हैं जो एलईडी इंडिकेटर का भी काम करते हैं, जो पावर इंडिकेटर और मिक्सर से स्प्लिटर में वो भी चेंज करते हैं। तो ये इस हालत में चलेगा, ये स्विच ऑन रहेगा और ये इसमें ऑडियो दी हुई है मैंने, ये अभी मिक्सर से नहीं लगाया हुआ है, लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इसका मेन वॉल्यूम है इनपुट में जो मैंने दिया है इसको ऑडियो, और ये हर चैनल का आउटपुट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
हर चैनल का अलग अलग वॉल्यूम है, बैलेंस वॉल्यूम भी है और मेन वॉल्यूम भी है। ये आपका 6 चैनल का अलग अलग आउटपुट इन 6 वॉल्यूम से मिल जाएगा और बाकी के 7 और 8 जो है वो इस वॉल्यूम के द्वारा मिलेगा यहाँ से। तो इस तरीके से ये चलेगा। ये इस टाइम स्प्लिटर चल रहा है, ये सारा इनका मेन वॉल्यूम है, ये इनपुट में। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ। ज़्यादातर वीडियो में एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर लाता हूँ और कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसका भी रिव्यू कर देता हूँ। और किसी भी ऑडियो स्प्लिटर का आपको प्राइस मालूम करना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं, चाहे वो आउजा हो, एनएक्स ऑडियो हो या स्ट्रेंजर हो। स्ट्रेंजर का लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता है और मेरी नज़र में लगभग सबसे अच्छा जो ऑडियो स्प्लिटर बनाया है वो बैरेंजर ने बनाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और रही बात प्राइस की तो इसका प्राइस 10,500 रुपये आपको दिल्ली से पड़ेगा। और आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, अमेजोन पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं।